नमस्कार मित्रों, गुरु चेला चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए वो वीडियो लेके आए हैं जिसको YouTube पे 10 लाख लोगों ने देखा और पसंद किया। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि दूध असली और नकली कौन सा है। आज हम घर के अंदर जहर पी रहे हैं या असली दूध पी रहे हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि दूध असली और नकली में क्या फर्क है। मित्रों, आज मैं आपके लिए एक विशेष चीज लेकर के आया हूं। प्रत्येक आदमी के घर के अंदर दूध आता है। कई गाय भैंसे खुद रखते हैं और कईयों को दूध लेना पड़ता है, अधिकतरों को लेना ही पड़ता है, चाहे वो थैली का दूध हो चाहे कोई ग्वाला दूध देकर के गए। मित्रों, हम दूध लेते हैं हमारे बड़े बुजुर्गों को पिलाने के लिए, खुद भी पीने के लिए, बच्चों को पिलाने के लिए, उनके स्वास्थ्य वर्धन के लिए, चाय आदि के लिए, दूध को दही जमाने के लिए, मिठाई बनाने के लिए काम में लेते हैं। सामने त्योहार भी है और आगे त्योहार भी है और त्योहार पर दूध ज्यादा लगता है। अब दूध जितना आता है उतना तो आता है, अब त्योहारों पर जब दूध की खपत ज्यादा होती है तो फिर वो दूध कहां से आ जाता है? क्या 5 किलो दूध देने वाली गाय 15 किलो दूध देने लग जाती है? ऐसा तो हो नहीं सकता, तो उसकी तो जो लिमिट है वो लिमिट रहेगी। तो मित्रों, हमारे घर में जो दूध आता है वो दूध असली है या नकली, जिसको हम हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए ले रहे हैं, कहीं वो स्वास्थ्य को घटा तो नहीं रहा है? मित्रों, नकली दूध है वो बहुत हानिकारक है, किडनी खराब कर सकता है, वो हार्ट के ऊपर असर करता है और कैंसर तक वो उत्पन्न कर सकता है। मित्रों, नकली दूध से हम कैसे बचे, इसका क्या परीक्षण है, कौन सा मित्र है जिससे हम इसका पता लगा सके? मित्रों, ये मेरे पास 2 गिलास है दूध के, इन दोनों में एक में असली दूध है, एक में नकली दूध है। एक में तो दूध है असली और एक में सिंथेटिक दूध। सबसे बड़ी बात यह है कि ये दूध पीने में, सूंघने में, देखने में एक जैसे दिखाई देते हैं, चखने के अंदर कुछ फर्क आता है, लेकिन हर कोई उस फर्क को नहीं पकड़ सकता। अब मित्रों, हम इस दूध की पहचान कैसे करें कि असली किस्म है नकली किस्म है? तो मैं ये करता हूं कि कृष्णकांत को कह दो, मुझे भी पता नहीं है, दूध के दोनों गिलास तो मेरे पास आ गए, लेकिन मुझे ये पता है कि एक में असली है एक में नकली है, ये मुझे भी पता नहीं है। फिर भी मैं कृष्णकांत को कहूंगा कि मैं थोड़ा मुंह घुमा लूं है और तुम दोनों गिलासों को इधर उधर कर दो। मित्रों, दोनों गिलासों को कृष्णकांत ने इधर उधर कर दिया है, अब फिर पता नहीं है कि कौन सा गिलास किधर था। अब हम इन दोनों में से असली दूध की और नकली दूध की पहचान कैसे करें? आप अपने रसोई के अंदर हल्दी को देखते हैं, जिसका अंग्रेजी नाम है टर्मरिक। सब्जी के अंदर हम हल्दी डालते हैं, बच्चों को हल्दी डालकर दूध पिलाना चाहिए, उससे हड्डियां मजबूत होती है, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं पीते हैं। खैर, कोई बात नहीं, लेकिन हम जांच के लिए हल्दी को काम में ले सकते हैं। देखिए मित्रों, ये हल्दी है। हम क्या करेंगे कि जो दूध हमारे घर में आएगा हम उसके अंदर हल्दी डाल देंगे। मैं दोनों गिलासों में हल्दी डाल देता हूँ, थोड़ा सा सैंपल निकाल के उसमें डाल देंगे। हाँ, थोड़ा सैंपल निकाल कर उसमें हल्दी डाल देंगे। तो मैंने इसमें भी हल्दी डाल दी और इसके अंदर भी मैंने हल्दी डाल दी। अब देखिए मित्रों, जो दूध असली है उसके अंदर हल्दी अपने रंग में ही है और जो दूध नकली है उसके अंदर हल्दी लाल रंग की हो गई है। इसको मैं हिला देता हूं, ये देखिए ये पीली रहेगी और ये जो देखिए
बस मित्रों यही एक तरीका है कि हम हमारे घर में बाहरी साधन के बिना घर के अंदर जो मौजूद साधन है उससे यह पता कर ले कि दूध कौन सा हमारे घर में आ रहा है, वो असली है या नकली है, ओरिजिनल दूध है या सिंथेटिक दूध है। ओरिजिनल दूध को आप पीजिए, आनंद लीजिए। पर मित्रों यह जहर है, न आप पिए न बच्चों को पिलाए न बड़ों को पिलाए। अच्छा, इसका लाल होने का कारण भी बता दीजिए। नकली जो दूध होता है उसके अंदर कई चीजों की मिलावट होती है। टीवी चैनल में और में भी दिखाया गया है जो नकली दूध मिला बनाते हैं वो उसमें क्या है, डिटर्जेंट पाउडर डालते हैं, ऑयल डालते हैं या आपके ग्लूकोज भी डालते हैं, कुछ और भी चीजें डालते हैं। इसके अंदर जो डिटर्जेंट या शैम्पू वगैरह जो डाला जाता है उसका और हल्दी का मेल नहीं है। हल्दी उसमें डलते ही अपना रंग छोड़ देगी और वो लाल हो जाएगी। अच्छा, डिटर्जेंट और शैम्पू उनका डालने का कारण क्या है? वो इसलिए डालते हैं कि इसके अंदर झाग उत्पन्न हो जाए। दूध के अंदर झाग होता है तो झाग उत्पन्न हो जाए। एक और बता दूं आपको, बाजार के अंदर एक सफेद रंग का डिब्बा आता है उससे भी नकली दूध बनाते हैं, लेकिन उस नकली दूध को बनाने के अंदर भी उनको ये काम में लेता है क्योंकि झाग के लिए उनको डिटर्जेंट डालना पड़ता है और चिकनाई के लिए ऑयल डालना पड़ता है। तो आप असली नकली की पहचान कर सकते हैं मित्रों। ये पहचान तो हो जाएगी, लेकिन क्या है कि ये पीने में भी एक जैसा रहता है, चाय बनाने में भी एक जैसा रहता है और उसके चक्कर में पूरी दुनिया पीते तो स्वास्थ्य के लिए और करता नुकसान करता नुकसान। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे घर के अंदर दूध आए तो गृहिणी को चाहिए, आपके मतलब माँ है, बहन है, पत्नी है, जो भी है, या आप खुद वो काम कर रही है रसोई में, तो आप थोड़ा सा दूध किसी बर्तन में ले लें और उसके अंदर हल्दी डाल करके मिला करके देख लें। हल्दी डालने से यदि वो पीला रंग देता, हल्दी पीली रहती है, तो आप बिना कोई सोच के बेधड़क उस दूध को काम में लीजिए। और यदि वो रंग बदल देती है, रंग लाल हो जाता है, तो उसको फेंक दीजिए। आप अपने जो दूध लेने वाला है ना उसको हटा दे तो वो ही अच्छा है। तो आप रोज भी यदि जांच कर ले तो आपकी क्या दिक्कत है? थोड़ा सा हथेली में, अरे भाई हथेली में क्यों, थोड़ा सा दूध गिलास में लो, हल्दी डालो, मिलाओ, रंग नहीं बदला, पी लो, स्वास्थ्य वर्धक है वो। तो हल्दी डाल करके आप पी रहे हैं, डेली पी रहे हैं, तो वो तो और ही बढ़िया है। तो उसके अंदर कोई नुकसान वाली बात नहीं है भाई। शाम को आप एक गिलास पीते हैं और यदि आपने चौथा गिलास पी लिया, शाम को आप कौन गिलास पी लेना, क्या फर्क पड़ता है? तो ये अपने मसाले भी कितने काम के, कितनी चीजें अपने स्वास्थ्य के लिए। हमारे तो मसाले है ना, वो एक आयुर्वेदिक औषधि है और उनका भी एक अनुपात है जो सब्जियों में और में डाला जाता है ना, कि जीरा कितनी मात्रा में डाले, कलौंजी कितनी मात्रा में डाले या हल्दी कितनी मात्रा में डाले, ये एक शरीर को स्वस्थ बनाए रखने का एक अनुपात है। और जो और इससे टेस्ट भी बढ़ता है, सब्जी स्वाद भी होती है और स्वास्थ्यवर्धक भी होती है। बच्चों को हरी सब्जी खाने के लिए भी प्रेरित करें। हरी सब्जी में भी आजकल वो जहाँ तक संभव हो आप घर के अंदर है, कुछ पत्तों की सब्जी लगा सकते हैं, गमलों के अंदर ओवर है तो लगा सकते हैं। और वैसे जांच करके सब्जी ले तो अच्छा ही है। हाँ, धोखे काम में ले अच्छी तरह से, रंग वगैरह लगा देते हैं। तो मित्रों आप से उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, मुहिम अच्छी लगी होगी, जो आपको हर चीज के बारे में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। गुरु जी के ज्ञान से हम आपको एक ऐसी चीज से बताने की कोशिश कर रहे हैं जहां आप कहीं भी मात ना खाएं, कोई भी आपको ना ठग सके, यही होना चाहिए। इसमें आगे और भी ऐसे ऐसे जानकारियां, ऐसे आपको रहस्य
और जानदार चीजें आपको मिलती रहेगी। आशा करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और इस वीडियो को खास कर ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि आपके मित्र, आपके संबंधी वगैरह भी धोखा न खाए, वो दही के धोखे में कपास न खा जाए। यानी दूध की जगह वो कोई जहर न ले। मिलते हैं अगले वीडियो।